दलों को लेकर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश की 80 सीटों पर अपने गठबंधन के साथियों को लेकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। जो भी आदेश यहाँ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का होगा, उस महान जनता के निर्देश का और पार्टी के आदेश का मैं पालन करूंगा। लेकिन मोदी जी को 10 साल हो गया, किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल रही। धान का किसान, गन्ने का किसान, गेहूं का किसान, तिलहन का किसान, दलहन का किसान, जो भी किसान है अपनी फसलें औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर है और इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दुखी अगर है कोई तो वो किसान है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है और छलावा कर रही है। इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष सरकारी रोजगार, लेकिन आज 10 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ गई, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हम आप सब पीड़ित हैं। इन बातों पर समाजवादी पार्टी का ध्यान है। मैं नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मुझे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मिर्जापुर लोकसभा चुनाव का प्रभारी घोषित किया है। मैं मिर्जापुर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए यहां पर आया हूं। अपने नेता के निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और मजबूत करके 2024 का जो चुनाव है इस चुनाव को विजय श्री दिलाना, इस संदर्भ में आपके बीच में आया। मुझे पूरा भरोसा है मिर्जापुर की महान जनता पर, इस समाजवादी विचारधारा को अपना आशीर्वाद देंगे और समाजवादी पार्टी को अपना सहयोग देंगे, अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, लगातार विपक्ष की बातों को अनसुना किया जा रहा है, जनता के ज्वलंत मुद्दों को सदनों में विपक्ष के लोग उठाते हैं और उन मुद्दों पर सरकार कोई गौर नहीं करती। सरकार हठधर्मिता पर उतारू है, चाहे भारत की पार्लियामेंट हो,
चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या देश के अन्य राज्य। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारा आप सबका देश है, हम सबको मिलजुल कर काम करना है। विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर शिवपाल ने एक बयान दिया है कि ये खबर हमें मीडिया से मिल रही है। विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाने क्या कहेंगे, इसका क्या कहना है आपको? आडवाणी को भारत रत्न रोक लीजिए, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे नेता ने और हमने ये कहा कि भारत रत्न भारत के जितने भी महान स्वतंत्रता आंदोलन के नेता हैं, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, आचार्य नरेंद्र देव जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, मुलायम सिंह जी हों, इन सबको भारत रत्न से सरकार को नवाजना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।